लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचने की कवायद गली मोहल्लों के मंदिर तक पहुंच चुकी है। भाजपा नेता अपर्णा यादव गोमती नगर के एक मंदिर में पहुंची है, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुई, उसके साथ ही साथ कुछ राजनीतिक बातें भी हुई हैं। क्या बातें हुई आज यहां पर मंदिर में महिलाओं से? हमने यही सबसे अपील करी है कि अपने जनमत का प्रयोग करें। एक लोकतांत्रिक देश में लोकसभा का यह जो एक मुझे लगता है इलेक्शन है, यह दिशा और दशा बदलता है देश की। तो मैंने सभी से अपील करी है कि वो जो है 20 तारीख को यहाँ पर वोट पड़ेंगे, तो उस दिन मंडे है और सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, तो ऐसा ना हो कि कोई जो है घूमने फिरने चले जाए और वोट का जो है अधिकार ना इस्तेमाल करें। तो सबको प्रेरित किया है कि वो वोट करें जी। मैं देख रहा था नवरात्रि का मौका भी, आपको भी मैं सुन रहा था कि श्लोक का भी इस्तेमाल हो रहा है, और जहां मौका लग रहा है दोहा चौपाई सब, तो पूरी तैयारी आपने कर रखी है महिलाओं से बात करें? हम लोग महिलाओं को कोई तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, और खास तौर से मुझे लगता है कि कोई भी महिला हो वो हमेशा तैयार रहती है, और जहां भी पार्टी जिस भी परिस्थिति में जैसे जो आदेश करती है उस हम अपनी पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी, और तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम सभी लोग जो है उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे जी। आज दो अहम डेवलपमेंट में वो सवाल जरूर पूछ लूंगा। सबसे पहला, समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट आया है, उन्होंने आटा से लेकर डाटा सब फ्री देने की बात कही है, महिलाओं को सम्मान सुरक्षा शिक्षा की बात कही, इसको आप कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ लोकसभा इलेक्शन, तो इस इलेक्शन में जो है हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। हम अगर देखें तो इनका एक अलायंस है, ये पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपना जारी किया है, ऐसे बहुत सारी अपनी पार्टी है जितने भी अलायंस है वो सभी जारी करेंगे। मैं बीजेपी की मेंबर हूँ, मुझे पता है बीजेपी ने जितनी भी बातें अपने पुराने मैनिफेस्टो में कही हैं वो सब वादे पूरे किए हैं, और वह सारी चीज़ें धरातल पर दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक इस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात है, पहली बात ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, पर क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया है इसलिए मैं बता दूँ कि राष्ट्रीय पार्टी देश की दिशा दशा बदलेगी, ना कि कोई अलायंस पार्टी। एक सवाल और, आज मैनपुरी से भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह घोषित कर दिए गए हैं सपा से डिंपल यादव, आपको कैसा लगता है, कैसी वहां पर फाइट होने वाली है, क्या होगा? देखिए, जयवीर सिंह जी काफी समय से जो है पॉलिटिक्स में है और एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। दूसरी तरफ जो है सपा से मेरी जेठानी है, मैं अपनी जेठानी का बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि मोदी जी की प्रचंड जो है लहर है, और सभी जनमानस का भारत में मोदी जी के साथ विश्वास है। आपको रायबरेली से टिकट का ऑफर आप लड़ रहे हैं? अभी देखिए, पार्टी से इस प्रकार की मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है, पार्टी ने मुझसे कोई नहीं चर्चा करी है, पार्टी अपर्णा यादव के लिए सर्वोपरि है, जैसा पार्टी कहेगी वैसा करेगी। एक धर्मेंद्र यादव जी का एक बयान है, वो जुमलेबाज पार्टी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जुमलेबाजी होती है यहाँ पर, ऐसी बातें हर आदमी पॉलिटिकल लाइमलाइट में आने के लिए करता है, वो उनको खुद पता है वो कितना क्या कर सकते हैं। सर, संघमित्रा मौर्य के बारे में उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि वो उनको बेटी कहलाने में शर्म आती है, आप कैसे देखती हैं एक महिला के तौर पर? बेटी और पिता के बीच में जो भी रिलेशंस हैं वो लोग अपना जान सकते हैं, और मैं समझती हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपने आप को इस भारत का भी होने में जो है दिक्कत होती है, वो ये भारत देश छोड़ करके चले गए। अपर्णा जी हैं, देख रही हैं पूरी तरह से चुनाव के रंग में रंगी हुई हैं, मंदिरों में जा रही हैं, महिलाओं के साथ बैठक कर रही हैं, और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जीत का आह्वान कर रही हैं। कैमरामैन रवि के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ।